नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है। जी हाँ, क्या शुभ मुहूर्त है, आपको कब पूजा करनी चाहिए, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, शिवरात्रि के दिन ऐसे 10 काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे वो 10 काम कौन से हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों चलते हैं, आपको बता देते हैं। 21 तारीख को शाम को 5:20 से महाशिवरात्रि के पर्व का मुहूर्त शुरू होकर अगले दिन यानी कि 22 फरवरी दिन शनिवार को शाम 7:02 तक रहेगा। जी हाँ, रात्रि प्रहर की पूजा शाम को 6:41 से रात 12:52 तक होगी। अगले दिन सुबह मंदिरों में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि पूरे विधि विधान से भोले की पूजा करने पर वह प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ध्यान से आप लोग सारी चीजें करिएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भूल कर भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको इस दिन भगवान शिव को सादे जल में गंगा जल मिलाकर ही उनका अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर सिंदूर और कुमकुम भी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह चीजें सुहाग की चीजें मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर यह सब चीजें अर्पित करना निषेध माना गया है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। तीसरा काम है, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी को शुभ कामों में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चौथा काम है, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस से तुलसी का विवाह हुआ था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था, और इसी कारण से भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। पांचवा काम है, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी के फूल अर्पित ना करें। जी हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार केतकी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। जी हाँ, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। छठा काम है, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर शंख से जल भी चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके कारण उसका शरीर भस्म हो गया, जिससे शंख की उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। सातवां काम है, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को स्टील और लोहे के पात्र से जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ, आठवां काम है, आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर टूटे हुए चावल भी बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ अक्षत ही शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। नौवां काम है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में आपको शिवलिंग पर तिल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा में तिल वर्जित माने जाते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। दसवां काम है, काले रंग का वस्त्र भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन काले रंग के वस्त्रों का उपयोग करना ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, जो 10 में ये काम बताया हूँ इसको भूल कर भी आप मत करिएगा। जी हाँ, शिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जी हाँ, सभी तक ये जानकारी पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।